हेलो जी नमस्कार सलाम सत विश यू ऑल अ वेरी वॉर्म वेलकम टू तो दिस वंडरफुल चैनल आकाश बाईजूज नीट यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूं जी एक और बेहतरीन सेशन लेकर के और आज का हमारा सेशन है नीट 2023 का बायोलॉजी सेक्शन जो है उसको डिस्कस करना एनसीईआरटी में से विद प्रूफ मैं आपको दिखा दूंगा कि कौन कौन सा सवाल एनसीईआरटी के कौन से पेज से कौन सी लाइन में से उठाया गया है ठीक है जी तो सब लोग तैयार हैं जी ऑल मई राजा बेटा एंड रानी बेटिया ना एक मेरी बात बड़े गौर से सुन लीजिएगा सेवेंथ ऑफ मे ट्वेंटी को नीट का ये एग्जाम हुआ संडे को दोपहर को दो, दो बजे से शाम के पांच बज के बीस मिनट तक तीन घंटे बीस मिनट में बहुत सारे बच्चों की किस्मत जो है वो डिसाइड हुई बहुत बच्चों का पेपर अच्छा गया कुछ बच्चे अच्छा नहीं भी परफॉर्म कर पाए जो अच्छा नहीं भी परफॉर्म कर पाए आप घबराइएगा नहीं अगर ज़िंदगी में कोई बड़ा मकसद सोचा होता है तो वो एक बहुत बड़ा त्याग भी मांगता है आप ऐसा मत सोचिएगा कि इस बार अगर नीट अच्छा नहीं हुआ तो चलिए जी हम इस इरादे को ही छोड़ देंगे ऐसा नहीं है अपने मकसद को पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है नन्ही चींटी दाना लेकर के जब दीवारों पर चढ़ती है नन्ही चींटी दाना लेकर के जब दीवारों पर चढ़ती है टेढ़ी मेढ़ी दीवारों से सौ बार गिरती है मन का विश्वास रगों में साहस भरता है आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती तो आपको कोशिश करनी है एक पॉजिटिव वे में कोशिश करनी है आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली सक्सीड राइट right, जी तो चलिए बिना किसी देरी के बिना किसी विलंब के हम क्वेश्चन करते हैं एक बात मैं आपको बता देना चाहूंगा जो कि बड़े ही दुख वाली बात है सात मई को जिस दिन नीट की परीक्षा हुई राइट सेवेंथ ऑफ मई 2023 संडे को परीक्षा हुई जी दो बजे से लेकर के शाम के पांच बज के बीस मिनट तक तीन घंटा बीस मिनट बच्चों को मिले साढ़े पाँच के करीब जो है परीक्षा पत्र कह दीजिए या क्वेश्चन पेपर जो है वो बाहर आ जाता है बच्चे हॉल से बाहर आना शुरू होते हैं सभी यूट्यूब uh, चैनल्स पे आपने देखा होगा होड़ लग गई थी पेपर को सॉल्व करने की बहुत से लोगों ने पेपर सॉल्व करा एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत से नामी गिरामी टीचर्स ने भी कई क्वेश्चन गलत सॉल्व कर दिए विच इज़ रियली सरप्राइजिंग राइट फिजियोलॉजी के अनैटमी के बॉटनी में से जोलॉजी में से कई सवाल यूट्यूब पे गलत सॉल्व करे गए हैं आप देख सकते हैं उसे है हाँ ना कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या तो चलिए जी मेरे राजा बेटा है नानी बेटियाँ मैं आपको बताता जाऊँगा कौन कौन से सवाल लोगों ने गलत सॉल्व करे हैं एक काम जरूर कर दीजिएगा अपने प्यारे प्यारे लाइक्स जो है वो बढ़ाते रहिए इस सेशन में जहां पे भी मेरी कही हुई बात दिल को छू जाए वहीं पे लाइक का बटन प्रेस कर देना और इस सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा अपने सभी मित्रों के साथ जो नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं चलिए जी बायोटेक्नोलॉजी का एक सवाल हम देखते हैं ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल जब चिल्ड ऐड किया जाता है बताइए जी मुझे एनसीआरटी में से भी प्रूफ दिखा दूंगा क्या डीएनए को प्रेसिपिटेट करता है हिस्टोन्स को, को या RNA को या आरएनए को क्लास ट्वेल्थ की बायोलॉजी की एनसीईआरटी आप देखेगा राइट right जी पेज नंबर 211 पे ये सेंटेंस देख लीजिएगा यहां से एग्जामिनर ने क्वेश्चन फ्रेम किया है अदर मॉलिक्यूल्स कैन बी रिमूव्ड बाय एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट एंड प्यूरिफाइड डीएनए अल्टीमेटली प्रेसिपिटेट आउट आफ्टर एडिंग चिल्ड इथेनॉल क्लियर है जी आसान सवाल था ये कुछ बच्चों ने आरएनए लगा दिया इसका आंसर दैट्स रियली सॉरी चिल्ड इथेनॉल इसका आंसर है ठीक जी चिल्ड इथेनॉल जो है आ, डालने से डीएनए प्रेसिपिटेट हो जाता है तो ये रहा जी आंसर आगे बढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी में से ही सवाल है इन जीन गन मेथड यूज्ड टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू द होस्ट सेल्स माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ डैश मेटल आर यूज्ड इज इट जिंक इज इट टंगस्टन और गोल्ड इज इट सिल्वर और इज इट कॉपर वेल बॉक्स में आप मुझे जवाब दे सकते हैं साथ साथ टस्टन या गोल्ड पार्टिकल्स यूज किए जाते हैं बेटा सो एनसीआर क्लास ट्वेल्थ बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड मैंने हाईलाइट कर दिया है कि एग्जामिनर ने सवाल कहाँ से फ्रेम किया है ये क्लियरली लिखा है इन अनदर मैथड सुटेबल फॉर प्लांट सेल्स सुटेबल फॉर प्लांट्स। सेल्स आर बंबाराई विलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड और टंक्स्टन विच आर कोटेड विद डी एन एंड दिस मैथड इज नोन एज जीन गन टेक्नोलॉजी और बायोलिस्टिक्स ठीक है जी ये सवाल भी सही हो गया चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जेनेटिक्स में से सवाल पूछा गया है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर जो है जेनेटिक्स का उसमें से क्वेश्चन है फिन ऑफ प्लियोट्रोपिज्म प्लियोट्रोपिज्म क्या है

ये हमने हाईलाइट कर दिया जी आपके लिए जहां से एग्जामिनर ने यह सवाल उठाया है ठीक है जी इट इज प्लियोट्रॉपी वेन वन जीन फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ऑफ मेनी ट्रेड्स एनसीआर क्या कहती है जीन ऑन अल फीनोटाइप और ट्रेट देर आर इंस्टेंसर वेर अगल जीन कैन एग्जीबिट मल्टीपल फीनोटिपिक एक्सप्रेशन सच अज कॉल्ड एस प्लियोट्रोपिक जीन दैट क्लियर राइट Now आगे बढ़ते हैं जी अगले सवाल की तरफ आंसर हाईलाइट कर दिया गया है आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जेनेटिक्स में से बायोटेक्नोलॉजी में से कितने सवाल पूछे गए हैं फिनोमिना सॉरी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर ऑन सेम क्रोमोजोम एज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन्स टू मैप देयर पोजिशन ऑन क्रोमोजोम कितनी खूबसूरती से परिभाषा बनाई गई टू मैप देयर पोजीशन ऑन क्रोमोसोम इट वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय सटन एंड बॉवरी उन्होंने तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी अल्फ्रेड स्टर्टिवेंट हैंकिंग थॉमस हंट मॉर्गन बताइए जी जवाब दे सकते हैं साथ के साथ वेल द आंसर टू द क्वेश्चन इज अल्फ्रेड स्टर्टिवेंट एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जीन मैपिंग का कांसेप्ट तो ये जेनेटिक्स में से पूछा जाने वाला एक और सवाल था आगे बढ़ते हैं एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, यानी ई एस टी रेफर टू ई एस टी किस को रेफर करता है ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज प्रोटीन्स, ऑल जीन्स वेदर एक्सप्रेस्ड और अनएक्सप्रेस्ड या सर्टन इंपॉर्टेंट एक्सप्रेस जीन्स या ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस एज आर एन दुष्यंत घोष वेल बच्चों ने जवाब दिया बिल्कुल सही कहा है जी ये देखिए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में से मैंने हाईलाइट कर दिया है एनसीआर में से द मेथड्स इनवॉल्व टू मेजर अप्रोचेस वन अप्रोच फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आर एन ए टू एज एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स अब देखिए एग्जामिनर ने क्वेश्चन जो है वो कितने टिपिकल तरीके से किसी चीज़ की परिभाषा को उठा के वहां से क्वेश्चन फ्रेम कर दिया कई जगहों पे आप देखेंगे कि सिर्फ शब्दों की राइमिंग से प्ले कर दिया जैसे मसल फिजियोलॉजी में से क्वेश्चन आप देखेंगे फेसिकल है या फेशिया है बहुत टीचर्स ने वो क्वेश्चन गलत सॉल्व कर दिया जल्दबाजी में राइट इसके अलावा आपने बॉटनी में भी देखा था कॉर्क को लेकर के क्वेश्चन था ना बार्क वाला जो था टेक्निकल टर्म है या नॉन टेक्निकल टर्म है बार्क इफ यू रिमेंबर तो एनसीआरटी ने लिखा हुआ है कि वो एक नॉन टेक्निकल टर्म है वो सवाल भी बहुत से लोग जो है गलत सॉल्व कर गए ठीक है चलो आगे बढ़े लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा अगेन बायोटेक्नोलॉजी अपॉन एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन डीएनए स्टेन विद इथिडियम ब्रोमाइड विल शो ब्राइट ब्लू कलर ब्राइट येलो कलर ब्राइट ऑरेंज कलर ब्राइट रेड कलर चैटबॉक्स में एक्टिव रहो यार जवाब दो साथ साथ मुझे ओके सो इट इज ब्राइट ऑरेंज कलर ये सब बच्चों ने सही सवाल करा होगा इजी सवाल था सो so ये रहा जी एनसीआर का रेफरेंस यू कैन सी ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड्स ऑफ डीएनए इन इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन्ड जेल व्हिच इज एक्सपोज्ड टू यूवी लाइट अगेन क्वेश्चन फ्रॉम बायो राइट आगे बढ़ते हैं आंसर हाईलाइटेड है आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन अन इक्वी वोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल वॉज फर्स्ट प्रपोज बाय कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है इसको पूरी तरह से साबित किसने कर दिया था एल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेस एवरी मैकलियोड एंड मैकाटी विल्किस एंड फ्रैंकलिन या फिर फ्रेडरिक ग्रिफ्त बताइए चैट बॉक्स में आप जवाब दे सकते हैं जो बच्चे नी 2024 की तैयारी भी कर रहे हैं उन्होंने भी काफी चीजें तो अभी तक पढ़ ली होंगी एग्जामिनर आपको सवाल साइंटिस्ट के नाम से भी पूछते हैं सो so यहाँ पे हमारे पास सही जवाब हो जाएगा ये भी जेनेटिक्स का ही सवाल था क्लास ट्वेल्थ की एन में पेज नंबर आप देख लीजिएगा वन पेज नंबर 12 uh, 101 पे बारहवीं क्लास की एनसीईआरटी क्या कहता है जी ये द अन इक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ अल्फ्रेड हरशी एंड मार्था चेस 1952 की बात है कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ये सवाल उनका गलत हो गया तो अब आपको ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी पढ़ते समय बहुत सिंसियरली पढ़ के हर लाइन को अच्छे से समझना है और उस लाइन की लैंग्वेज को समझना भी जरूरी है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जेनेटिक्स बायोटेक्नोलॉजी के कितने सारे सवाल दिख रहे हैं आपको वॉट इज द रोल ऑफ आर एन ए पॉलीमिरेज थ्री का पूछा गया है इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन केस ऑफ यू कैन नंबर वन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टी आर एन ए फाइव एस आर आर एन एंड एस एन आर एन ए सेकेंड ऑप्शन

मैं इसके आगे लिख भी देता हूं कि भाई यहां से क्वेश्चन फ्रेम किया गया देख लीजिए आर एन ए पॉलीमिरेज थ्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टी आर एन ए फाइव एस आर आर एन एंड एस एन आर एन ए स्मॉल न्यूक्लियर आर एन एज ग्रेट नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर हाईलाइटेड है बटन प्रेस नहीं करा जल्दी से अपना प्यार अपनी रिस्पेक्ट आप हमारे लिए इन्हीं लाइक्स के रूप में दिखा सकते हैं चलिए जी फेल्टर सिंड्रोम में से यह क्वेश्चन भी अनफॉर्चुनेटली बहुत लोगों ने गलत सॉल्व कर दिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम चलो पहले तो हम देख लेते हैं भैया क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम क्या है फोर्टी फोर प्लस एक्स एक्स वाई

ठीक है जी सेकेंड सच एन इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट हाउ एवर फेमिनिन डेवलपमेंट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड ये बात बिल्कुल सही है द इफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टेचर्ड वो छोटे कद के होते हैं ये गलत है वो डाउन सिंड्रोम में हो जाता है क्लाइन फेल्टर वाले अब नॉर्मली टॉल होते हैं फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड राइट मान लीजिए ये बात हमें नहीं भी पता थी है ना हो सकता है हर फीचर ना याद रहे तो कोई बात नहीं इस बात को होल्ड करके अगली बात पे चलते हैं sterile, भाई ये बात सही है. sterile, तो होती है तो करेक्ट वाली बात में अब हमें चुनाव करने हैं कि कौन कौन से हो गए ए के लिए तो हम श्योर हो गए कि भाई ए तो हो नहीं सकता तो हमने यहां से ए काट दिया ठीक है जी राइट right? अब सी और डी सच इंडिविजुअल्स आर शॉर्ट स्टेटेड ये बात बिल्कुल गलत है वो शॉर्ट स्टेटेड तो नहीं है तो ये भी गलत हो गया है ना गलत हो गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी बी वाला सही है और ई e वाला सही है इज दट क्लियर सो दिस इज अ वे हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन मान लो एक बात नहीं भी कहीं पता तो उसे होल्ड कर लीजिए जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिए उस चीज का एनसीआर में से अब इसकी रेफरेंसेज देख लीजिए डाउन सिंड्रोम की अगर मैं बात करूं मोंगोलिज्म भी जिसे कहते हैं ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोजो नंबर 21 के कारण है इट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट विद स्मॉल राउंड हेड राइट फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड तो ये वाले लक्षण डाउन सिंड्रोम के अब हमें एक बात तो समझ आ गई एनसीआर में जितने जेनेटिक डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं या जितनी बीमारियां दी हैं उन सब के लक्षण एक एक जो पॉइंट है बड़े ध्यान से पढ़ना है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है अब एक बात ये भी ध्यान रखना यहां पे है ना पाम इज ब्रॉड विद करेक्टरिस्टिक पाम क्रीज ये वाला डाउन सिंड्रोम का लक्षण है एक सवाल आगे आएगा इसी पे ही तो ये बात हैरानी की रही कि भाई एक क्लाइम फेल्टर और डाउन सिंड्रोम से ही दो सवाल पूछ लिए गए है ना थोड़ी सी स्ट्रेंज बात है ये क्लाइन फेल्टर होता है जी फोर्टी फोर प्लस एक्स एक्स वाई इंडिविजुअल डेवलपमेंट लाइक डेवेलपमेंट डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू इज सीन एंड सच इंडिविजुअल देख लिया जी एनसीआर में से कहां कहां से चीजें फ्रेम करी गई हैं तो बी स्टेटमेंट सही है और ई e वाली स्टेटमेंट सही है तो आंसर ये हो जाएगा इज इज क्लियर राइट चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हाउ मेनी डिफरेंट प्रोटीन्स डज द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ राइबोसोम में अलग अलग कितने प्रोटीन्स होते हैं सिक्सटी फोर्टी ट्वेंटी या एटी वेल द करेक्ट आंसर एनसीईआरटी की रेफरेंस ले लेते हैं जेनेटिक्स 12वीं क्लास का सेकंड चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ये रहा जी वो सेंटेंस जहां से ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया द राइबोसोम कंसिस्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर आरएनएज एंड अबाउट 80 डिफरेंट प्रोटींस है ना सो दैट मींस कि कहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कुछ नहीं कहा जा सकता एनसीईआरटी को पढ़ना और उसे समझना उसे डीकोड करना सब चीजें जरूरी हैं राइट right? नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर हाइलाइटेड है मेलोनेट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया बाय इनहिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ आपको याद होगा ये क्वेश्चन कहां से फ्रेम किया गया जी बायोमोलिक्यूल्स में हम आपको ये बात पढ़ाते हैं दैट एंजाइम्स विच आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट दे आर वेरी सेंसिटिव टू पीएच टेम्परेचर एंड इनहिबिटर्स कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में आपने मेलोनेट सक्सिनेट वाली बात पढ़ी हुई है तो ये या आपको याद होगी अच्छे से तो एक क्वेश्चन था मेलोनेट इनहिबिट्स ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया बाय इनहिबिटिंग एक्टिविटी ऑफ अमाइलेज नो लाइगेज नो डाइनाइट्रोजेनेस नो सक्सिनिक डिहाइड्रोजेनेस इज दी करेक्ट आंसर रेफरेंस देखना चाहेंगे ग्यारहवीं क्लास की एनसीआरटी पेज नंबर ग्यारहवीं क्लास की एनसीआरटी में से पेज नंबर 158 और ये वो सेंटेंस हाइलाइटेड है इनिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनियस बाय मैलोनेट व्हिच क्लोजली रिजेंबल्स सबस्ट्रेट सेक्सिनेट इन स्ट्रक्चर आप जानते हैं ना एक एंजाइम होता है सक्सिनिक सक्सिनिक एसिड इनटू फ्यूमेरिक एसिड बट इफ यू ऐड मेलोनेट इनटू दैट रिएक्शन मेलोनिक एसिड रिजेंबल्स क्लोजली इन स्ट्रक्चर विद सक्सिनिक एसिड एंड इट कंपीट्स फॉर द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम सक्सिन डीहाइड्रोजिनेस तो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का क्वेश्चन था आसान सवाल था अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अगेन बायोटेक्नोलॉजी इस बार तो एग्जामिनर को जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी वाला टॉपिक काफी ज्यादा पसंद आया है इसलिए इतने सारे क्वेश्चंस उसमें से पूछे गए हैं क्वेश्चन क्या है जी मेन स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए दे आर गिवन बिलो दी स्टेप्स इन करेक्ट सीक्वेंस इसे एक करेक्ट सीक्वेंस में डालिए आप भी आंसर दे सकते हैं साथ साथ चैटबॉक्स में insertion of recombinant dna into the host cell second cutting of dna at specific location by restriction enzyme isolation of the desired dna fragment and amplification of gene of interest using pcr right पीसीआर क्या होता है जी पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन अब जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना जहाँ पे आपको स्टेप्स का सीक्वेंस करना होता है अब उसमें एक चीज़ आप ध्यान से देखिए कई बार ये होता है कि आपको दो स्टेप्स तो पता है कि भाई डेफिनेटली ये वाला लास्ट होना चाहिए सेकेंड लास्ट पहले और दूसरे में गड़बड़ हो जाती है कि भाई पहले सी होगा या पहले बी होगा है ना वेल well, देखते हैं जी करेक्ट आंसर क्या है एनसीआरटी का रेफरेंस ले लेते हैं आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल हम किस तरह से आइसोलेट करते हैं जेनेटिक नहीं बारहवीं क्लास के एनसीआर में आप रेफर कर लीजिएगा कटिंग ऑफ द डीएनए स्पेसिफिक लोकेशन राइट एम्प्लीकेशन ऑफ द एम्प्लीफिकेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर तो आप देख लो ये पूरे हाईलाइट uh, कर करके बताए हुए हैं ये सारी चीजें सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल है कटिंग ऑफ द डीएनए स्पेसिफिक लोकेशन है एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर एंड इंजर्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल सो द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन इज सी बी डी ए राइट C then B, then B D then A अब बहुत से लोग ना यहां भी कंफ्यूज हुए थे कि भाई ये डी एन ए फ्रेगमेंट कहा गया है है ना हालांकि टेक्निकली देखिए थोड़ा सा लोचा है इस चीज में डी एन ए फ्रेगमेंट वाली बात तो आप वो पढ़ते हो जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लेते हैं और उसमें फिर छोटे 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 टुकड़े आ जाते हैं है ना डी के और उन फ्रेगमेंट को जब हम अलग करते हैं सो मैनी पीपल दे सेट की पहले होगा बी और फिर होगा सी अब यहां पे मैं आपको बता दूं कई जगह पे आपको ये वाला आंसर भी देखने को मिल सकता है कि पहले बी करो भैया नंबर वन पे इसको लेकर क्या हो आ, आ, बी को सॉरी दिस वन कटिंग ऑफ द द एट स्पेसिफिक लोकेशन बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वो इसलिए कंफ्यूजन हुआ है बिकॉज डीएनए का फ्रेगमेंट कहा गया है और जब मैं यहां पे एनसीआर की बात आपको बता रहा हूं यहां पे एनसीआर ने आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मेटीरियल लिख दिया है आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट नहीं लिखा है समझे जी राइट यू आर एग्रींग, यू आर अंडरस्टैंडिंग वट आई एम सेइंग, ठीक है जी बट अब हमें वेट करना पड़ेगा कि एक्चुअल में इसका आंसर जो है फाइनली क्या देता है एन टी ए बट आई स्ट्रांगली फील दैट इट हैज टू बी सेकेंड राइट ये वाली बात उतनी सही नहीं लग रही है बट ए फ्रेगमेंट वर्ड का यूज कर लेना थोड़ा सा यहां पे बच्चों को कंफ्यूज कर गया आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हुए एक बार मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा मैं अगले सवाल की तरह बढ़ता हूं चलिए ये मेरा फेवरेट टॉपिक आ हाँ चुका है दैट इज रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी में से ये सवाल है और इजी क्वेश्चन है स्टेटमेंट्स हैं आराम से सलीके से पढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है ना फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल कहाँ पे है मैमल्स में देखने को मिलता है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल मैमल्स में प्राइमेट्स में हो जाता है मैंस्ट्रल साइकिल नॉन प्राइमेट्स में हो जाता है ईस्ट्र साइकिल तो पहला ऑप्शन इन नॉन प्राइमेट मैमल्स साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड ईस्ट्र साइकिल अब ये बात कहां से उठाई गई ईस्टर साइकिल का जिक्र कहां करा हुआ है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स वाले चैप्टर में पढ़ा है आप लोगों ने बिकॉज बोर्ड में से ये चैप्टर कट गया था है ना लेकिन मैंने कहा था ना नीट में से तो नहीं कटा सो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स एक चैप्टर है क्लास ट्वेल्थ की एनसीईआरटी में सबसे पहला चैप्टर वहां पे ईस्टर साइकिल का जिक्र किया जाता है सो ईस्टर साइकिल नॉन प्राइमेट मैमल्स में है काओ बफलोशीप कैट डैग डॉग रैट इन सब में इसमें क्या होता है द एनडोमेट्रियल लाइनिंग इज नॉट शेड इन मेजोरिटी ऑफ द स्पीशीज इट इज़ नॉट शेड ड्यूरिंग द ब्लीडिंग सो देर इज नो ब्लीडिंग फेज एक्चुअली इट इज एब्सॉर्ब्ड विद इन द यूथ्रस मैंस्ट्रल साइकिल में एनोमेट्रियल लाइनिंग इज शेड ईस्टर साइकिल में एक हीट पीरियड होता है वैन द एनिमल डेवेल्प्स अ स्ट्रॉग डिजायर फॉर कॉपुलेशन बिकॉज उसमें जो है ईस्ट्रोजन का बहुत ज़्यादा सर्ज होता है सो द फीमेल एनिमल डेवलप्स अ स्ट्रॉग डिजायर फॉर कॉपुलेशन

और सी और डी सही हैं तो जहां पे बी गलत है ये राजी ये तो हो नहीं सकता ये तो हो नहीं सकता सी वाली बात भी सही है तो ए सी एंड डी इज एट क्लियर अब देख लीजिए हमने एनसीईआरटी में से रेफरेंस भी लगा दिया है मेंस्ट्रुअल साइकिल एनसीईआरटी का पेज नंबर फोर्टी नाइन देख लीजिएगा वहां पे क्लियरली लिखा है द फर्स्ट इट इज कॉल्ड मेनाक लाइक like, ये देखो ये लाइट भी लाइन हाईलाइट कर दी लैक ऑफ मैं बी एन इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी दे पे भी हमने हाईलाइट कर दिया इस चीज को ग्रीन कलर से साइक्लिक मैं इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड्स बिटवीन मेनाक एंड मेनोपॉज सो द करेक्ट आंसर इज थ्री राइट एंजॉइंग द सेशन कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है है ना जब आराम आराम से सहजता से चीज़ों को करते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है लेकिन होता है क्या है कि एग्जामिनेशन सेंटर में एक एंग्जाइटी भी होती है फिजिक्स भी करना है केमिस्ट्री भी करना है एक डर होता है खौफ होता है जिसके कारण जो क्वेश्चन आते भी हैं ना कई बार वो भी बच्चे गलत कर जाते हैं अब अनदर क्वेश्चन विच हैज बिन डन रॉन्ग बाय इवन मैनी टीचर्स राइट यूट्यूब पर सॉल्व करते हुए कई नामी गिरामी टीचर्स ने भी इस सवाल को गलत सॉल्व कर दिया क्योंकि जल्दबाजी में पढ़ा ही नहीं कि स्टेटमेंट दिया क्या है उसे हम जरा अच्छे से गौर से पढ़ लें वेल गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज एजर्शन अदर इज लेबल्ड एज रीजन एजर्शन कहता है एम फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ द स्ट्रैटीज ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम क्या ऐसा है एमनियोसेंटेसिस हालांकि एक बड़ी ही यूजफुल डायग्नोस्टिक टेक्निक है एमनियोसेंटेसिस इज अ वेरी यूजफुल डायग्नोस्टिक टेक्निक विच कैन डिटेक्ट मेनी क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स इन द डेवलपिंग फीचर्स इट्स अ प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक लेकिन मिस यूज कहां हो जाता है बच्चे का जेंडर पता चल जाता है we also come to know that whether the baby which is developing inside the uterus of the mother is having chromosomal complement as 44 plus XX or 44 plus XY. Or if you know that knows, and the doctor parents ko ye declare kar deta hai, to female fetus side, you understand? है ना तो इसलिए amniocentesis का ये वाला इस्तेमाल करना बैन है ऐसा नहीं है कि amniocentesis banned है एम रियली सरप्राइज्ड मैनीबल है लेकिन उसका मिस यूज नहीं होना चाहिए द बैन इज ऑन दिस पॉइंट सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो नहीं करेगा डॉक्टर उसके थ्रू आर यू गेडिंग इट ठीक है एमन्यू सेंटेस किसे रिकमेंड करते हैं उन फीमेल्स को रिकमेंड करेंगे जिनकी उम्र प्रेगनेंसी के समय पर पैंतीस साल से ज्यादा है बिकॉज इफ अ फीमेल शी इज डिलेइंग हर प्रेगनेंसी द चांसेज ऑफ गिविंग बर्थ टू बेबीज विथ जेनेटिक डिसऑर्डर इनक्रीजेस तो ऐसी महिला को रिकमेंड करेंगे जिसमें गर्भ 35 वर्ष की आयु के बाद हुआ है या ऑलरेडी उसका कोई जेनेटिकली एबनॉर्मल बेबी हो चुका है या उसके परिवार में उसके अपने परिवार में माइके के परिवार में या उसके पति के परिवार में कोई ऑलरेडी ऐसा जेनेटिकली डिफेक्टिव बेबी पैदा हुआ है और वो ये बात डॉक्टर को बताती है तो डॉक्टर सजेस्ट कर देगा कि भाई आप एमनियोसेंटेसिस करा लीजिए बड़े बड़े शहरों में अवेलेबल है महंगा है चालीस पैंतालीस पचास तक इसमें खर्च आ जाता है अ नीडल गाइडेड बाई अल्ट्रासाउंड इज इंट्रोड्यूस इन टू दूटरस एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक इज टेकन आउट एमनियोटिक फ्लूड में सेल्स होते हैं एमनियोसाइट्स मैं पूरी डिटेल में ये बात बता रहा हूं

बड़ी अच्छी ऑथर्स की फॉरेन लेवल की जो ऑथर्स हैं उनकी किताबें पढ़ के देखिए दिमाग के कपाट अध्यापकों को भी खोलने ज़रूरी हैं सिर्फ बच्चों को ही नहीं एमनियोटिक फ्लूड लेते हैं थोड़ा सा जिसमें कि एमनियोसाइट्स नाम के सेल्स होते हैं दीज आर द सेल्स विच आर डिटैच फ्रॉम द फीटल स्किन एमनियोसाइट को कल्चर किया जाता है लेबोरेटरी में राइट उनकी संख्या बढ़ाने के लिए फिर हम क्रोमोजोम चेक करते हैं समय लगता है इसके रिजल्ट आने में भी इमिडिएटली आपको रिजल्ट नहीं मिल जाते सो एम्यूसेंटेसिस इज अ वेरी यूजफुल वेरी यूजफुल प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक टू डिटेक्ट मेनी जेनेटिक इनोर्मेलिटीज इन द डेवलपिंग बेबी बट द बैन इज ऑन दिस पॉइंट कि इसको सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज नहीं करना है ओवरऑल पूरी टेक्निक बैंड नहीं है दिल्ली में मुंबई में बैंगलोर में बड़े बड़े शहरों में अवेलेबल है खर्चा आता है इसमें काफी सारा और थोड़ा सा रिस्क भी रहता है बड़ी मोटी नीडल होती है जो अंदर डालते हैं और फ्लूड निकालते हैं तो मिसकैरेज का थोड़ा बहुत रिस्क रहता है इज इट क्लियर टू यू दिमाग के कपाट खुले अब आपके ठीक है जी तो सही जानकारी अब आप भी अपने लोगों को दीजिएगा अपने दोस्तों को एक्चुअल में एमन्यू है क्या चलिए वापस लौटते हैं एजर्शन था फॉर सेक्स सेंटेसिसनेशन इज वन ऑफ द स्ट्रेटजीज ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम नो ये बात गलत है कभी भी सरकार ये थोड़ी कहेगी कि एमन्यू करो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए नो सो दिस स्टेटमेंट इज स्ट्रेट अवे रॉन्ग एंड इट वॉज से वेरी शेमफुल रीजन

अब मैं दिखा दू एनसीआर में एनसीआरटी में दिखा दू रेफरेंस ये देखो यहां से उठाया गया स्टेटुटरी बैन ऑन एम्यू सेंटेसिस शब्द का एक मतलब है स्टेटुटरी जो लिखा हुआ ना स्टेश भी बोल देते हैं इट हैज सम मीनिंग कि कुछ कंडीशंस के साथ इस पे बैन है पूरी टेक्निक बैन नहीं है

आसान क्वेश्चन कहां से रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में से वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स इज़ कई बार मैंने आपको यूट्यूब ये बात बताई हुई है कि बेटा बड़ा आसान तरीका होता है जानने का टाइडल वॉल्यूम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम रेजिडल वॉल्यूम ऐसे भी था पहले दोनों को प्लस कर दो तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आ जाता है पहले तीनों को प्लस कर दो अगर आप आइडल तो, सारे सारे तो ये कैपेसिटी हो जाता है दिस इज टोटल लंग कैपेसिटी मैं रिपीटेडली ये बात कहता था कि पल्मोनरी एंड पल्मोनरी कैपेसिटीज में से क्वेश्चन जरूर आएगा सो ये देखिए जी रेफरेंस है आपके लिए क्लास इलेवें टू सेवेंटी टू द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर अ फोर्स एक्सपीरेशन वाइटल कैपेसिटी ऐसे डिफाइन करते हैं फोर्सिबली एक्सपायर आउट कीजिए और फिर पूरे जोर से इंस्पायर कीजिए जितनी हवा लंग्स में जाएगी टाइडल वॉल्यूम जाएगा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जाएगा और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी जाएगा तो ये मिला करके हो जाती है वाइटल कैपेसिटी ठीक है स्पायरोमीटर से मेजर करते हैं स्पाइरो का टॉपिक था जिसमें से सवाल पूछा गया आसान सवाल था आगे बढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में से लिखता जाऊं कौन कौन से चैप्टर में से पूछा गया है ये लीजिए ये सवाल पूछा गया है ट्वेल्थ क्लास के रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में से विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस इज कंप्लीटली क्यूरेबल जिसका पूरी तरह से इलाज हो सकता है वेन डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली अगर सही समय रहते डिटेक्ट कर लिया जाए और इलाज ठीक से पेशेंट को दवाइयां दी जाए तो कंप्लीटली क्यूरेबल है राइट right? अब ध्यान रखना जो वायरस वाली बीमारियां होती है ना वो नहीं आती पकड़ में जल्दी और मतलब उनका नहीं आप कर सकते इलाज पूरी तरह से जड़ से नहीं मिटा सकते उन्हें तो वायरस वाली हेपेटाइटिस बी एच आई वी इन्फेक्शन जेनेटल हर पीस तो बचा क्या है इसमें से सही जवाब दे रहे हैं बच्चे चैट में गोनोरिया एनसीआरटी का रेफरेंस देखना चाहेंगे ये रहा जी एनसीआरटी का रेफरेंस एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी Genital herpes and HIV infections, other diseases are completely curable if detected early and treated properly. तो इसमें हमारे पास क्या आ जाती है एनसीआरटी ने गोनोरिया का जिक्र किया है सिफिलिस का करा है राइट गोनोरिया इज बाय नजीरिया सिफिलिस इज बाय ट्रेपोनिमा पैलिडम सिफिलिस को फ्रेंच बॉक्स भी कहते हैं गोनोरिया में क्या होता है डिस्चार्ज ऑफ पस फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बर्निंग सेंसेशन वाइल यूरिनेशन तो सवाल था कि कंप्लीटली क्यूरेबल होनी चाहिए यदि समय रहते उनके बारे में पता चल जाए और सही इलाज कर दिया जाए इज दैट क्लियर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहां से है नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन फिजियोलॉजी क्लास इलेवेंथ का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन अब आप एक बात ध्यान रखिएगा ये ग्यारहवीं क्लास की एनसीआरटी में से चैप्टर काट दिया गया था है ना सीबीएसई ने बहुत सारे चैप्टर हटा दिए थे ना कि स्कूल में नहीं पढ़ाए जाएंगे लेकिन सवाल नीट में उसमें से ही पूछा जाता है तो हमें हार्मोन्स मैच करने सीसीके जीआईपी एएनएफ एडीएच सीसीके इज कोलेसिस्टोकाइनिन जीआईपी इज गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड एएनएफ इज एट्रियल नेट्री फैक्टर एडीएच इज किडनी ठीक है अब इसमें ये नहीं है कि भाई सोर्स ही बताना है

मैच फॉलोइंग जर्नली आसान हो जाते हैं क्योंकि एक दो भी अगर आपको पता होते हैं तो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन नो देख लो जी रेफरेंसेस डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में से भी ये बातें हम आपको बताते हैं और इसके अलावा याद कीजिए जो केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है एंडोक्राइन सिस्टम वहां पे भी तो दिए हुए ये हार्मोन्स हॉर्मोन्स ऑफ हार्ट किडनी एंड गैस्ट्रो ट्रैक्ट ठीक है अब जैसे मैंने यहां पे लिखा है कि भाई डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन यहाँ भी ये हॉर्मोन्स हम बताते हैं आपको कोलेसिस्ट्रोकाइन और जी और उसके अलावा आप ग्यारहवीं क्लास का जो लास्ट चैप्टर है दैट इज केमिकल कॉन्ट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यहाँ पे भी आपको इसका रेफरेंस देखने को मिल जाएगा लिखा है ना सीसी के एक्ट ऑन पैनक्रियाज एज वेल एस गॉल ब्लैडर एंड स्टलेन ऑफ पैनक्रियाटिक एनजाइम्स कोलेसिस्टोकाइन एक्ट ऑन दैनक्रियाज एंड स्टीमलेट्स दैनक्रियाज रिलीज पैनक्रियाटिक जूस विच इज रिच इन एनजाइम्स ठीक है जी कोलेटोकाइन इन पैनक्रियमिन इसके साथ साथ ये गोल ब्लेडर पर भी एक्ट करता है इट कॉजेज कॉन्ट्रेक्शन गॉल ब्लेडर एंड रिलीज ऑफ बाइल जूस तो ए का फोर बी का थ्री सी का टू एंड डी का वन दैट इज द करेक्ट आंसर आगे बढ़ते हैं डिजीजेस ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में से सवाल है आसान क्वेश्चन है एनसीआर क्लास ट्वेल्थ की उठा के देख लीजिएगा दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एग्जामिनर ने ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स कवर कर रहे हैं ऐसा कोई एरिया नहीं छोड़ा जहां से सवाल नहीं पूछा रिंगवम क्या है जी ट्राइकोफाइटन फिलेरियास वेरिया बेनक्रॉफ्टी मलेरिया विद प्लाजमोनियम वायवैक्स न्यूमोनिया विद हीमोफाइलिस इन्फ्लुएंज़े। आई एम श्योर ये सवाल तो सब बच्चों ने सही करा होगा चलो कुछ क्वेश्चन तो एग्जामिनर ने ऐसे दिए हैं जो आई एम श्योर हंड्रेड परसेंट बच्चों के सही गए होंगे रेफरेंस देख लीजिए एनसीआरटी में से लाइक स्ट्रेप्टोकोकस एंड बैक्टीरियाबल फॉर न्यूमोनिया और प्लाज्मोडियम की अलग अलग स्पीशीज हैं जैसे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स प्लाज्मोडियम मलेरिये प्लाज्मोडियम ओवेल प्लाज्मोडियम फल्सिपैरम ये अलग अलग तरह की मलेरिया करते हैं वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टी वुचरेरिया मले जिससे कि ब्रुग्या मले भी है एक और स्पीशीज ये वर्म जो है ये क्या कर देता है एलिफेंटियसिस जो लार्वे हैं माइक्रोफिलेरिए वो लार्वे लिम्फ वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं लिम्फ का फ्लो रुक जाता है जिसके कारण सूजन आ जाती है ग्रेविटी के कारण लिम्फ नीचे इकट्ठा होगा तो जो पैर हैं टांगे हैं वो सूज जाती है मेल्स में स्क्रॉटम में बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है ट्राइकोफाइटन एंड एपीडेमोफाइटन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंग वर्म्स क्वेश्चन इज ओके राइट लाइक like का बटन जरूर प्रेस करते रहना बेटा सेशन को शेयर जरूर करना और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी जरूर देना इसमें अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं ये सवाल लिया गया है सर्कुलेटरी सिस्टम में से बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन है ना चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी का तो सर्कुलेटरी सिस्टम कह दीजिए बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन ईसीजी का जो टॉपिक है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ राइट आंसर पी वेव क्यू वे कॉम्प्लेक्स टी वेव आपको मैच करना था एक बेसिक बात तो आपने पढ़ी हुई है कि P wave is depolarization of atria, है ना? P wave is depolarization of atria. तो अगर मैं इसको इससे मार्क कर दूं, तो आपको काफी मदद मिल जाएगी कि भैया ए अगर थ्री है तो वो हमें केवल फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है ठीक है जी ए अगर थ्री है तो वो हमें फोर्थ ऑप्शन में ही दिख रहा है चलो एक्सप्लेन भी कर देता हूं

एंड ऑफ द एंड ऑफ दाइट तो एज इट इज स्टेटमेंट उठा करके एग्जामिनर ने आपको यह क्वेश्चन दिया डेट मीन ईसीजी का टॉपिक इंपॉर्टेंट है जैसा कि हम लोग आपसे हमेशा कहते हैं आगे बढ़ते हैं इन विच ब्लड कॉपिसकेशन एंड एच आई वी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिय वायरस एस आई वी से म्यूटेट होकर बना है एस आई वी साइमिन इम्यूनोडिफिशी वायरस तो आप जानते हैं कि एच आई वी जब शरीर में एंटर करता है तो मैक्रोफाजिज को अपना टारगेट बनाता है इट यूज मैक्रोफाज एज फैक्ट्री मैक्रोफाज फैक्ट्री की तरह काम करते हैं इसके लिए बहुत सारे वायरल पार्टिकल्स बनते हैं और फिर ये ना हेल्पर टी सेल्स पे हमला करता है हेल्पर टी सेल्स का नंबर कम करता जाता है है ना जिन जिन सेल्स के पास सी डी फोर आप यूट्यूब सकते हैं मैंने के के बारे में बताया हुआ है CD4 receptors जिन है है जिन-जिन सेल्स पास हो हो गए गए ना वहां पे जा करके ये हमला करता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जी सारिका ने सही कहा है इट इज टी फोर एच आई वी एंटर्स इन टू हेल्पर टी लिम्फोसाइट रेप्लीकेट एंड प्रोड्यूस द प्रोजेनी वायरस देखो एग्जामिनर ने जो है एक एक छोटी छोटी लाइन को पकड़ के सवाल जो है वो बनाया हुआ है ये बात भी देख लो कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस एंड इन दिस वे एक्ट लाइक फैक्ट्री अगर ये पूछ लेते कि फैक्ट्री कौन है तो फिर मैक्रोफाज हम जवाब देते उस चीज का राइट सो वन फिफ्टी का आंसर हमें मिल चुका है अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अगेन दो स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को बड़े इतमान से पढ़ना चाहिए Low temperature preserves the enzyme in a temporarily inactive state. Whereas high temperature destroys the enzymatic activity because proteins are denatured by heat. Sahi hai statement, hai na? Low temperature pe temporarily inactivation, hota hai aur bahut high pe, chale jane pe permanent denaturation. Second statement: when the inhibitor closely resembles the substrate in its molecular structure and inhibits the activity of the enzyme, it is known as competitive inhibition.

जहां पे एंजाइम्स का जिक्र होता है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी जिसमें एनजा और पीएच तो है ही है लो टेपरेचर प्रिजर्व द एंजाइम इन अ इन इनएक्टिव स्टेट हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉयज द एंजाइमेटिक एक्टिविटी बिकॉज प्रोटीन आर डी नेटेड हीट राइट देन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन वेन द इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल सबस्ट्रेट इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मेरे पीठ पीछे आप देख पा रहे हैं ना तो ये स्टेटमेंट एज इट इज लिखी हुई है अब एक चीज और बता दूं ये कंप्लीट पीडीएफ हम आपके साथ शेयर करेंगे कंप्लीट पीडीएफ शेयर करेंगे आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए दैट इज डॉक्टर सचिन कपूर टॉक This is my telegram group. And इसके बायो की रणनीति टेलीग्राम ग्रुप है नीट आकाश डिजिटल टेलीग्राम ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा शेयर कर दिया जाएगा हमेशा करते हैं हम लोग सो दैट मीन बहुत स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर ट्रू इजी क्वेश्चन था भाई एक बार चैट बॉक्स में थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए लाइक like का बटन भी प्रेस कर दीजिए और कुछ फ्लावर्स एंड केक्स एंड कैंडीज भेज दीजिए किसी ने भी नहीं कहा कि सारा पानी पी लीजिए बीच में गला आपका सूख गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे भी देखो लैंग्वेज के साथ प्ले करा गया कई बार ना ऐसी चीज हो जाती है मुझे थोड़ा अजीब भी लगता है कि एग्जामिनर बच्चों का मेमोरी जानना चाह रहे हैं या जानबूझ के ऐसे हालात क्रिएट कर रहे हैं कि बच्चा गलती करे ही करे है ना आप ये देखिए गिवन बिलो टू स्टेटमेंट लिगामेंट्स आर डेंस इरेगुलर टिश्यू कार्टिलेज डेंस रेगुलर टिश्यू तो ये एक रट्टाफिकेशन वाली बात थी स्पेशलाइज्ड तो है और रेगुलर रेगुलर है है। या आई मीन दिस वाज नॉट अ क्वेश्चन जिसमें कि कोई बहुत अच्छा है जिससे कि बच्चे की किसी बहुत ज़्यादा अकल को परखा जा सके सो so, एनसीआर ग्यारहवीं क्लास की पेज नंबर वन जीरो फोर ये रहा जी डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है

ठीक है जी और यहाँ पे इसकी जगह होना चाहिए था कि भाई एन ये कहती है कि ये एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है आई विल नॉट कंसिडर इट एज अ क्वालिटी क्वेश्चन कि बच्चों की कोई बहुत ज्यादा अकल परखी गई इसमें आगे बढ़ते हैं जी अ प्रोटीन इज इमेजिन एज अ लाइन द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंटेड बाई द फर्स्ट एमिनो एसिड क्या लेफ्ट एंड सी टर्मिनल होता है ये थोड़े दिन पहले मैंने और डॉक्टर पंखुरी ने आपके साथ एक सेशन लिया था यूट्यूब पे हमारे आकाश बाईजूज नीट यूट्यूब चैनल पे वहाँ पे ये चीज़ आपको बताई भी थी कि भाई एमिनो एसिड्स दे आर लिंक टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स है ना तो ध्यान रखना था कि किस तरफ एन होता है और किस तरफ हम सी टर्मिनल कहते हैं लेफ्ट कौन सा राइट कौन सा एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर से भी आप जान सकते हैं एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं सी एन एच टू एच टू एन कह दीजिए सी ओ ओ एच है ना एच एंड दिस इज इज आर आर द साइड चेन तो आप देख लीजिए एक तरफ एन टर्मिनल है लेफ्ट में और इधर आर इधर सी टर्मिनल होता है राइट स्टेटमेंट टू एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन हैज फोर सब सब यूनिट्स टू यूनिट ऑफ हैल्फा टाइप एंड टू सब यूनिट ऑफ बीटा टाइप ये वाली सेकंड स्टेटमेंट सही लग रही है अब हम आपको इसका रेफरेंस भी दिखा देते हैं जी ये रहा द फर्स्ट एमिनो एसिड इज आल्सो कॉल्ड एन टर्मिनल एमिनो एसिड लास्ट अमिनो एसिड इज कॉल्ड द सी टर्मिनल अमीनो एसिड राइट और यह रहा एडल्ट हिमोग्लोबिन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रेफरेंस मैंने आपको दे दिया तो स्टेटमेंट वन इज फॉल्स एंड द स्टेटमेंट टू इज ट्रू स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कितना टाइम खा जाते हैं अननेसेसरिली बच्चों का एफर्ट भी चला जाता है उसे सॉल्व करने में ना no. मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि जेनेटिक्स में से डाउन सिंड्रोम से एक और सवाल पूछा गया ब्रॉड पाम विद सिंगल पाम क्रीज इज विजिबल इन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम टर्नर सिंड्रोम क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम थैलेसीमिया या डाउन सिंड्रोम अगेन डायरेक्टली फ्रॉम एनसीआरटी ये रहा जी रेफरेंस बारहवीं क्लास के जेनेटिक्स वाले टॉपिक में से पाम इज ब्रॉड विद कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज राइट एंड दिस इज इन केस ऑफ डाउन सिंड्रोम तो अब आपने एक बात सीख ली कि भैया जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं टी में उनके लक्षण हमें बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं एक और आसान सा क्वेश्चन इजी सा क्वेश्चन एनिमल किंगडम का कह दीजिए या कह लीजिए एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन में से पूछा गया टीनियाम यानी टेपम टीनिया के जो स्ट्रक्चर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन के लिए वो फ्लेम सेल्स होते हैं पैरामीशियम

क्रोच का जोलॉजिकल नेटा कैना है एंड अर्थवम का <coughs> <coughs> Sorry. पे एक सवाल और पूछा गया जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे सो द करेक्ट आंसर इज ए विद्री बी विद टू सी विद फोर एंड डी विद वन आगे बढ़ते हैं मेरा फेवरेट टॉपिक आ गया जी दट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पता नहीं इतने ज्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन क्यों देते हैं बच्चों का टाइम वेस्ट करने के लिए ऐसा हो गया जब इस तरह का पेपर बनाया जाए तो इसका मतलब है कि हम कितने कैंडिडेट को एलिमिनेट कर देना चाहते हैं हम कितनों को सिलेक्ट करना चाहते हैं वो हमारा मकसद नहीं है ना तभी तो इस तरह की कई छोटी छोटी चीजों में हमने ऊट पटांग वर्ड डाल दिए और ऐसा कर दिया यू विल एग्री ना सारी का?

हम कहते हैं ना डिफरेंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम अपर्डोमल सेक्स ग्लैंड हैं सेमिनल वेसिकल की डक डिफरेंस से मिलती है और इजेकुलेटरी ड बनती है दिस स्टेटमेंट इज ट्रू सेकेंड स्टेटमेंट कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल वॉट इज सर्विक्स ये रहा जी यूट्रस The lower narrow neck like region of the uterus, the lower narrow neck like region is what is called as the cervix.

है ना स्टेटमेंट बेस्ड है बस बच्चों को ना कई बार इसमें डर लग जाता है तो वो छोड़ जाते हैं कई बच्चे जैसे मुझे भी चैटबॉक्स में बता रहे हैं कि सर हम डर गए थे कि पता नहीं कहीं कुछ गलती ना कर जाए इसमें क्योंकि इतनी इतनी स्टेटमेंट एज इट इज बी रटके रखना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता कई बार ये कि आपको कंसेप्ट पता है अंडरस्टैंडिंग है बट भाई एज इट इज वही वाली स्टेटमेंट जो एनसीआर ने जहां पे कॉमा बिंदी इज एम आर लिखा है नॉन करेक्ट इनकरेक्ट लिखा है तो वो कई बार नहीं याद रहता

तो सीलेंट्रेट्स में तो रेडियल सिमेट्री होती है टीनोफोरा में रेडियल सिमेट्री है इकाइनोडर्म्स के जो एडल्ट हैं उनमें रेडियल सिमेट्री है हमने ये बात पढ़ी है दैट लार्वा इन इकैनोडर्मेटा हैज़ बायलेट्रल सिमेट्री एंड हैज रेडियल सिमेट्री। इकाइनोडरमेटा इज एक्सक्लूसिवली मेरीन फाइलम तो इसका आंसर हैमिकॉडाटा हो जाएगा जी ठीक है ये एनसीआर कहती है नडल्ट आर रेडियली सिमेट्रिकल बट द लार्वे सिमेट्रिकल वाटर वेस्कुलर सिस्टम इनका एक इंपॉर्टेंट फीचर है इकाइनोडम्स का सो हेमी कॉर्डाटा इज द करेक्ट आंसर हेमी कॉर्डेट्स ऑफ द हाफ कॉर्डेट्स इनको जो है पहले जो है कॉडेट्स में रखा गया था बाद में हमने इन्हें हटा दिया कॉडेट्स की क्लासिफिकेशन में एक रेनिया और आता है ना एक रेनिया मतलब विदाउट क्रेनियम विदावट ब्रेन बॉक्स प्रोटोकॉर्डेट्स जिसमें पहले हम हेमी हमिकॉडेट यूरोडेट से फेलोकॉडेट पढ़ते थे फिर हमें पता चला कि हेमी हेमिकॉडाटा की जो नोटोकॉड है वो अलग तरीके की है स्ट्रोमोकॉड है तो हमने उसे इन्वर्टिब्रेट्स के साथ डाल दिया तो हेमिकॉडेट्स में रेडियल सिमिट्री नहीं है बाइलेट्रल सिमिट्री होती है चलिए डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में से सवाल है हाईलाइट कर देता हूं This question is from Dization and Absorption. Easy. Hai.

तो कौन सा बच्चा पेप्टिक सेल्स पेप्टिक सेल्स को चीफ सेल्स या जाइमोजन सेल्स भी कहते हैं पेप्टिक सेल्स आर आल्सो कॉल्ड चीफ सेल्स और जाइमोजन सेल्स ये क्या क्या सिक्रीट करते हैं दे आर सिक्रीटिंग पेप्सिनोजन दे आर सिक्रीटिंग प्रोरेनिन दे आर आल्सो सिक्रीटिंग गैस्ट्रिक लाइपेस तो ये प्रो एनजाइम पेप्सिनोजन से रिलेट हो जाएगा ठीक है क्लियर है जी राइट हमने जो मेंटी में आपको कराए अपने चैनल पे उस पर भी ये एज इट सेम क्वेश्चन कई बार प्रैक्टिस कराए थे तो जिन बच्चों की अच्छी प्रैक्टिस थी उन्होंने बेहतरीन तरीके से परफॉर्म म्यूकस सी विद फोर ऑक्जेंटिक सेल्स विद हेपेटिक सेल्स विद बाइल जू सो दिस इज करेक्ट आंसर आगे बढ़े ये कहां से है ये भी मेरा फेवरेट टॉपिक है सेंस ऑर्गन में से सेंस ऑर्गन में से यानी आई में से ये सवाल पूछा गया ओके फोविया आयरिस ब्लाइंड स्पॉट एंड स्क्लेरा। चलिए जी

ये वाली सफेद पार्ट क्लेरा व्हाइट ऑफ द आई ये वाली बात भी राइट जी डाइजेशन एंड एब्जॉर्न में से नेक्स्ट क्वेश्चन सेशन को लाइक like और शेयर जरूर करते रहिएगा एनर्जी का माहौल बना करके रखिए अगला सवाल मैं बता रहा हूं जी आपको क्या है द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्सॉर्ब सब्सटेंसेस एंटर द सीकम

सीकम कोलोन एंड रेक्टम स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है डेडेनम जेजुनम एंड इलियम सीकम से भोजन वापस नहीं आना चाहिए इलियम में तो वहां पे इलियोसिकल वेल्व भी होता है और इलियोसिकल स्विंक्टर भी होता है इलियोसिकल वेल्व एज वेल एज इलियोसिकल स्विंक्टर गैस्ट्रो इसोफेजियल स्विंक्टर कहाँ है जहाँ पे हमारी ईसोफेगस आकर के पेट में खुल रही है तो यहाँ पे

रिप्रोडक्टिव प्रोडक्टिव हेल्थ वेसेक्टोमी मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है और यह सर्जिकल मेथड है Coitus interruptus or the withdrawal method, which says that sexual intercourse can be performed but the male partner will not ejaculate in the vagina of the female. Cervical caps, that is a barrier method, and Saheli non steroidal oral contraceptive pill for females developed by CDRI Central Drug Research Institute, Lucknow. Again, an easy question. A with three. यानी वेसेक्टोमी सर्जिकल मेथड, बी विद फोर क्वाइटस नेचुरल मेथड, सी विद टू सर्वाइकल कैप इज बैरियर मेथड एंड डी ओरल मेथड सहेली ये कहां से है जी मूवमेंट एंड लोकोमोशन वाला चैप्टर स्केलेटल सिस्टम मूवमेंट लोकोमोशन या लोकोमोशन एंड मूवमेंट कह दीजिए वहां से सवाल उठाया गया ज्वाइंट वेरी इजी सेडल ज्वाइंट आपको पता है आपने मेटा कार्पल ऑफ थंब और कार्पल में पढ़ा है सेडल ज्वाइंट ये रहा ठीक है बॉल एंड सॉकेट ये वाले ज्वाइंट है ना ऐसे कंधे वाला जो है हेड ऑफ ह्यूमरस एंड द कैविटी ऑफ द पेक्टोरल गर्डल ये रहा क्रेनियम की जो बोन्स होती हैं स्कल बोन्स जो है यहाँ पे फाइबरस ज्वाइंट्स हैं सिनार्थ्रोटिक ज्वाइंट्स हैं इंटर डिजिटेटिंग ज्वाइंट जो हैं राइट और कौन सा बच गया है जी वर्टिब्रल कॉलम के वर्टिब्रा के बीच बीच में इंटर वर्टिब्रल जो होती है दिस इज अगेन एन ईजी क्वेश्चन सबका सही गया है ये जॉइंट्स वाला मैं कहता भी था कि वाला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जरूर पढ़ लीजिएगा सो ए विद टू दैट इज कार्टिलेजनस ज्वाइंट कहाँ है एडजस्ट एंड वर्टिब्रे में बी विद फोर बॉल एंड सॉकेट हेड ऑफ ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल सी विद वन दैट इज इज बिटवीन द फ्लैट स्कल बोन्स सैडल ज्वाइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थम सो दिस इज द करेक्ट आंसर

statement based question in prokaryotes positively charged dna is held with some negatively charged proteins in a region called nucleoid prokaryotes mein membrane bound organelles nahi hoti par kya dna positively charged nahi wo to negatively charged hai to pehli baat to galat ho gayi in eukaryotes negatively charged dna is wrapped around the positively charged histone octamer to form nucleus zone. right ji so that means statement 1 is incorrect but statement 2 is true दिस इज रॉन्ग दिस इज राइट ठीक है जी नेगेटिवली चार्ज क्यों है नेगेटिवली चार्ज इसलिए है Because phosphoric acid है बिकॉज एसिड एंड आपने न्यूक्लियोसोम मॉडल पढ़ा है ओके कैन आई मूव फॉरवर्ड बताइए मुझे एक बार थम्स अप साइन भेजिए यार चैट बॉक्स में एंड वीडियो का लिंक शेयर करो विद मोर एंड मोर पीपल लेट एवरी वन नो वट इज द वैल्यू ऑफ द क्वालिटी एजुकेशन तब तक मैं पानी पी लू और थम्सअप का साइन भेजिए चैट बॉक्स में हेलो नीलांजन गोस्वामी कैसे हैं जी आप गॉड ब्लेस यू याद रखिएगा वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बनना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी पेडिग्री में से सवाल पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स रिप्रेजेंट्स मेटिंग बिटवीन अब जल्दबाजी में गलत नहीं पढ़ना मेटिंग बिटवीन रिलेटिव बिटवीन रिलेटिव इन ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस तो आप जानते हैं पेडिग्री में ये सिंबल्स क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं है ना दिस रिप्रेजेंट्स अ फीमेल दिस रिप्रेजेंट्स अ मेल ओके और जब ये दो बीच में ऐसे बार बना देते हैं लाइनें डबल तो ये रेफर करता है मीटिंग बिटवीन द क्लोज रिलेटिव्स ठीक है ये भी इजी क्वेश्चन था जेनेटिक्स में से था क्लास ट्वेल्थ की एनसीईआरटी का जेनेटिक्स का पहला चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन देन अगेन एक सवाल और दे दिया है जी एग्जामिनर ने इस बार बायोटेक तो बहुत ही पसंद है है ना आप लोगों को पसंद है बायोटेक्नोलॉजी So, क्या है जी विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ क्लोनिंग प्रो अमन कुमार ने एकदम सही जवाब दे दिया है बिल्कुल ठीक है जी आपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में से जो हमारी <coughs> जो ना चरस हशीश गांजा हेरोइन इनमें से सवाल सो so, <coughs> मॉर्फिन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पेन किलर इतनी बात तो बार बार हम आपको बताते हैं कि भैया सर्जरी जब की जाती है तो मॉर्फिन जो है वो दिया जाता है सो डी विद्री एरोना बोल देते हैं इट हेज इफेक्ट ऑन दर्डियोस्कुलर सिस्टम सी विद फोर कोकेन इट इंटरफेयर विद्रांसपोर्ट ऑफ द डोपामीन राइट ए टू बी वन सी फोर डी थ्री एनसीआरटी में है, एक एक है. की ही है एज इट इज बस अगर मॉर्फिन वाली बात भी आती ना कि मॉर्फिन बहुत स्ट्रांग पेन किलर है सर्जरी के बाद पेशेंट्स को देते हैं पेन को कम करने के लिए तो आप वहीं से आंसर लगा सकते थे अगेन बायोटेक्नोलॉजी विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स डज नॉट सर्व द पर्पज ऑफ अर्ली डायग्नोसिस जिससे आप अर्ली डायग्नोसिस नहीं कर सकते हैं ताकि आप जल्दी से इलाज शुरू करें सीरम एंड यूरिन एनालिसिस या फिर पॉलीमेरियस चेन रिएक्शन पीसीआर लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट फिर या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी देखिए जो सेकंड थर्ड एंड फोर्थ है ये तो बड़ी हाईली एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज हैं इनसे तो बड़ी जल्दी चीज पकड़ में आ जाती है लेकिन ब्लड या सीरम या यूरिन एनालिसिस से ये चीजें जल्दी से नहीं पकड़ी जा सकती सो so, हमें यही बताना था डज नॉट सर्व द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिजीज ठीक है क्लियर है चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं आप साथ साथ बॉक्स में आंसर दे सकते हैं मुझे और कमेंट कर सकते हैं वीडियो में व अगेन एजर्शन एंड रीजन कहां से ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एजर्शन एंडोमेट्रियम इज नेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्ट्रोसिट बिल्कुल सही बात है एंडोमेट्रीय इज द इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द यूट्रस यूट्रस की वॉल में तीन लेयर्स होती हैं आउटरमोस्ट पैरीमेट्रियम मिडल मायोमेट्रियम इनर मोस्ट एंडोमेट्रियम राइट जी मायोमेट्रियम में स्मूथ मसल्स होते हैं एंडोमेट्रियम में कॉलमिनर एपिथीलियल सेल्स होते हैं एंडोमेट्रियल ग्लैंड होते हैं इम्प्लांटेशन के लिए चाहिए वॉट इज इम्प्लांटेशन इट इज द अटैचमेंट ऑफ द डेवलपिंग ब्लास्टोसिस्ट विद ऑफ यूट्रस रीजन इन द स ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटियम बात तो बिल्कुल सही है मैं बताता हूं आपको अपने लेक्चर्स में कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो प्लेसेंटा नहीं बनेगा तो एच नहीं आएगा ह्यूमन कोरियोनिकोनेडोट्रोपिन एच सी जी इज अ ग्लाइकोप्रोटीनिशियस हॉर्मोन विच प्रोलॉन्ग दी लाइफ ऑफ कार्पस ल्यूटियम अगर फर्टिलाइजेशन हुआ इम्प्लांटेशन हुआ प्लेसेंटा बना तो ही एच आएगा एच ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ओवरी तक पहुंचेगा और कॉर्पस ल्यूटियम को यह संदेश देगा कि प्रेगनेंसी हो चुकी है कॉर्पस ल्यूटियम तुम अब डीजेरेट मत करना एच सिमिलर इन एक्शन टू एल इफेक्ट होता है इसका राइट जी इफेक्ट होता है इसका सो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन जो है इट प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम सो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ कॉर्पस ल्यूटियम लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन कम्स डाउन एंड देयर इज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम यूट्राइन मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड मेंस्ट्रुएशन हो जाता है दोनों बातें सही हैं लेकिन सेकंड वाली बात कोई पहली वाली बात का रीजन थोड़े ना उसका कोई एक्सप्लेनेशन थोड़ी है बोथ द स्टेटमेंट्स दे आर ट्रू इंडिविजुअली बट सेकेंड स्टेटमेंट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एजर्शन, राइट ह्यूमन रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन था अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं ये रहा अगेन जेनेटिक्स प्यार हो गया है एग्जामिनर को जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी से ओके okay, जी बीटा गलेक्ट्रोसाइडेस परमियस ट्रांसिटाइलेस लैक जेड लैक आ सॉरी जीन ए जीन वाई जीन आई एंड जीन जी एंड जीन जेड लैक ओपेर में से क्वेश्चन उठाया गया द क्वेश्चन इज फ्रॉम लैक ओपेरॉन ए विद टू बी विद थ्री C with four, so it is beta galactosidase, permease, transacetylase. C with four. I am sorry. Let me correct it. A minute. A with two. चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन बिलो देयर आर टू स्टेटमेंट्स अगेन एजेशन एंड रीजन कहां से लिया गया क्वेश्चन क्वेश्चन इज फ्रॉम एक्स सिस्टम दैट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन आप कह दीजिए राइट दो स्टेटमेंट क्या कह रही है, कह रही है types, तो हम किडनी में दिखाते हैं कि आउटर रीजन इज द कॉटेक्स रीनल कॉटेक्स इनर रीजन इज रीनल मेडुला नेफ्रॉन्स दो तरह के हैं कॉर्टिकल एंड जेक्ट्रा मेडुलरी कॉर्टिकल निफ्रॉन्स जो होते हैं वो ऐसे एट द कॉटेक्स रीजन है ना और इनका लूप ऑफ हैनले जो है छोटा होता है लूप ऑफ हैनले छोटा है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स का लूप ऑफ हैनले लंबा होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स डू नॉट प्ले एनी रोल इन काउंटर करंट मैकेनिज्म जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन काउंटर करंट मैकेनिज्म दे हैव वासा रेक्टा दे हैव लॉन्गर लूप ऑफ हैनले राइट सो वो concentrated यूरिन बनाते हैं 15 से 20% परसेंट जो है जक्स्टा मेडुलरी हैं और 80 से लगभग 85% परसेंट कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं सो नेफ्रॉन्स आर ऑफ टू टाइप्स दैट इज कॉर्टिकल एंड जक्स्टा मेडुलरी बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव पोजीशन इन कॉर्टेक्स एंड मेडुला जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स हैव शॉर्ट लूप ऑफ हेनले यह बात गलत हो गई ना जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स का शॉर्ट लूप ऑफ लूपले थोड़े ना मेडुलरी का लॉन्ग लूप ऑफ जैसा है एंड कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स नेफ्रॉन्स का का लॉन्गर नहीं है है कॉर्टिकल शॉर्ट तो बस यहाँ पे लैंग्वेज घुमाई हुई है एक बात को आगे एक बात को पीछे कर दो ऐसे ही सो एजर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स एजर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स बस ये कर दिया कि कॉर्टिकल का लूप ऑफ एनले लंबा है ये जक्सा मेडुलरी का बच्चे को यहाँ पे उन्होंने एक तरह से कंफ्यूज करना चाहा विच ऑफ़ द फोन इज कैरेक्टरस्टिक फीचर ऑफ कॉकरोच रिगार्डिंग सेक्शुअल डायमोफिज वेरी ईजी क्वेश्चन मेल और फीमेल कॉक्रोच को अगर हमें डिस्टिंग्विश करना है तो हम एनल स्टाइल के आधार पर कर लेते हैं सो प्रेजेंस ऑफ एनल स्टाइल मेल कॉक्रोच में एनल स्टाइल देखने को मिलता है स्क्लेराइड तो दोनों में ही है एनल सरसाई भी है डार्क ब्राउन बॉडी कलर एंड एनल सरसाई ये वाले फैक्टर्स नहीं है सेक्शुअल डायमोफिज होता है जब आप मेल और फीमेल भी ऑर्गेनिज्म में सेम स्पीशीज के मेल और फीमेल को आप एक्सटर्नली ऑब्जर्वेबल फीचर्स के आधार पे डिस्टिंग्विश कर पाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुनिए ध्यान से एक्सक्रेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए इसे सॉल्व करने के लिए और उसके अलावा हॉर्मोन्स का रोल आपको क्लियर होना चाहिए तभी आप इसे सही सॉल्व कर पाएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट सही स्टेटमेंट का चुनाव करना है एन एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूड फ्रॉम द बॉडी स्विचेज ऑफ ऑस्मो रिसेप्टर शरीर से ढेर सारे पानी का लॉस हो गया तो है तो ऑस्मो रिसेप्टर जो हैं,

एडीएच एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन प्रिवेंट वॉटर रीएब्सॉर्प नाम ही है एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन इट एक्ट्स ऑन डी सी एन सी डी ऑफरॉन एंड तो ये बात बिल्कुल सही है एडीएच फैसिलिटेट्स वाटर रीअब्सॉर्प्शन टू प्रिवेंट डायूरेक्स्ट ए एन एफ एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर कॉजेज वेसोडेशन

anti-diuretic hormone is also called vasopressin why it is called vasopressin because it has pressing effect on the smooth muscles of the blood vessels right so definitely इट इंक्रीजेस बीपी और दूसरी बात ये भी है एंटी डायोरेटिक हार्मोन पानी जो है शरीर में रिटेन करवा रहा है ब्लड में पानी ज़्यादा होगा तो प्रेशर बढ़ेगा ना वहाँ से भी रिलेट कर सकते थे सो भाई अभी तक हमने कौन कौन सी बातें सही पकड़ ली हमने पकड़ लिया हमारे पास कौन कौन सी बात सही है बी वाली बात सही है सी वाली बात सही है डी वाली बात सही है है ना तो बी सी डी तो सही है हम बिल्कुल श्योर हैं ए हमारा बिल्कुल गलत है तो हम ऐसे भी कर सकते थे ए ए काट काट दिया A दिया है ना बी के लिए आप डेड श्योर हैं ही हैं तो इट मींस इट इज बी सी एंड डी ई स्टेटमेंट इज रॉन्ग दैट ए डी एच इज रिस्पॉन्सिबल नॉट फॉर डिक्रीजिंग इन द जी एफ आर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को यह डिक्रीज नहीं करता है राइट right जी क्लियर है ठीक है सो so आप देखिएगा यूट्यूब पे ये सवाल कुछ टीचर्स ने गलत सॉल्व करा है जल्दबाजी में ज्ञान की कमी में या अज्ञानता का अंधेरा है इसका जवाब तो वही लोग आपको दे सकते हैं है ना स्ट्रेट चलो सो इट इज बी सी एंड डी विद एक्सप्लेनेशन मैंने आपको ये चीज समझा दी है सो ऑल द बेस्ट याद रखिएगा वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बनना है इसीलिए कहता हूं एक अच्छे गुरु और एक सच्चे गुरु का चुनाव करते समय थोड़ी सूझबूझ रखिएगा है ना एक अच्छा और सच्चा गुरु वही होता है जो आपको सही ज्ञान दे जो लुभावनी और मीठी बातें ना करे, है ना? वो कहते हैं ना कि आप किसी अक्लमंद आदमी से एक थप्पड़ खा लीजिएगा वो बेहतर होगा बशर्ते एक बेअकल या कम अकल वाले इंसान से अपनी तारीफ सुनना ठीक है राइट right? चलो इसी बात पे लाइक जरूर करिएगा आगे बढ़ते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इन ब्रीडिंग नो लेट मी टेल यू अबाउट दिस क्वेश्चन यहां पे थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्सी जरूर है हमें वेट करना पड़ेगा एनटीए इसका क्या जवाब देता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इन ब्रीडिंग इट एक्सपोजेज हार्मफुल रिसेसिव जीन्स बट

बहुत जगहों पे आप देखेंगे कि ये दिया होगा दैट इट डिक्रीज होमोजाइगोसिटी हां होमोजाइगोसिटी डिक्रीज करता है सवाल ये उठ जाता है कि लैंग्वेज जो फ्रेम करी गई है ना नॉट एन एडवांटेज ऑफ इन ब्रीडिंग कौन सी बात इन ब्रीडिंग की एडवांटेज नहीं है अगर मैं पहली बात पढ़ू इट एक्सपोजेज हार्मफुल रिसेसिव जीन्स तो क्या वो एडवांटेज है उस बात की हार्मफुल रिसेसिव जीन्स एक्सपोज हो गए

ये बात सही है और यह बात एडवांटेज नहीं है सवाल यही पूछा गया था नॉट एन एडवांटेज सो सर्टनली दिस इज नॉट एन एडवांटेज अब फिर भी आप देखिएगा इसमें और इसमें बहुत से लोगों ने यह वाला आंसर दिया है इसका दैट इट डिक्रीजेस होमोजाइगोसिटी उन्होंने सिर्फ ये इस बात को पकड़ लिया विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इन ब्रीडिंग अगर उस एंगल uh, से देखा जाए विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इन ब्रीडिंग तो फिर ये वाली बात हो जाती अगर मैं क्वेश्चन ये करता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इन ब्रीडिंग समझा मेरी बात यू एग्री टू दिस एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए अगर ये होता विच ऑफ द इज नॉट ट्रू अबाउट इन ब्रीडिंग तो इट होमोजाइगोसिटी आ जाता है ना अब यहां पे नॉट एन एडवांटेज ऑफ इन ब्रीडिंग चलो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन अब मैं आपको फिर से बताऊं इस सवाल को भी कुछ लोगों ने कुछ टीचर्स ने कुछ सेल्फ प्रोक्लेम्ड टीचर्स ने यूट्यूब पे ब्लाइंडली गलत सॉल्व करा है विच इज वेरी शॉकिंग हैरानी होती है मुझे कि आ, ये जो एंडोक्राइनोलॉजी है जब इसके सवाल आते हैं कि टीचर्स इसको गलत क्यों सॉल्व कर जाते हैं उसका रीजन है क्योंकि एंडोक्राइनोलॉजी का टॉपिक शायद उन्होंने खुद भी कहीं अच्छे से नहीं पढ़ा है है ना सिर्फ एनसीआरटी की स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं पढ़ ली और वो हल्की सी भी ट्विस्ट हो जाए तो फिर परेशान हो जाते हैं लोग चलिए पढ़ते हैं क्या है विच आर द फॉलिंग आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ थायरॉयड हार्मोन

थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं टी एच जो होते हैं टी थ्री एंड टी फोर बोथ आर सिमिलर इन एक्शन ये चीज ध्यान रखिएगा दोनों का काम सेम होता है थायराइड फॉलिकल्स इन्हें बनाते हैं फॉलिकल के बाहर होते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स पैराफॉलिकुलर सेल्स कैल्सिटोनिन या थारो हार्मोन बनाते हैं जो कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करता है तो पहला ऑप्शन

साइकिल जब भी वेक साइकिल वाली बात आती है तो आपको मेलाटोनिन एंड सीरोटोनिन हार्मोन याद आते हैं एंड मेलाटोनिन और सीरोटोनिन हार्मोन किससे रिलेटेड है पाइनियल ग्लैंड से पाइनियल ग्लैंड और ईपी सीट ऑफ सोल

से रिलेटेड है कुछ लेना देना है जब भी इम्यून सिस्टम वाली बात आती है तो आपको एक ग्लैंड दिमाग में आती है दैट इज थायमस ग्लैंड सो थायमस ग्लैंड इज प्रेजेंट क्लोज टू योर हार्ट थायमस रिसीडिंग एंडोक्राइन ग्लैंड थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी थायमस ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिंफोसाइट तो सी और डी तो बिल्कुल नहीं होंगे सी और डी तो नहीं होंगे तो आप देख लीजिए कहां-कहां सी और डी आपको मिल रहे हैं ठीक है जी हमने कहा ये रहा सी तो हमने सी को काट दिया अच्छा हमें बताना क्या विच ऑफ द फॉलिंग आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ थायरॉयड हार्मोन्स हां यही बात हमें बतानी है जो नॉट है अंडर कंट्रोल में तो हमने क्या क्या ढूंढ लिया भैया सी नहीं है थायरॉयड से रिलेटेड काम है ना डी नहीं है थायरॉयड से रिलेटेड काम तो बाकी सब है बिल्कुल है मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर बैलेंस रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड नाउ वी कम टू ई सपोर्ट सॉरी द प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन क्या ये उसके फंक्शन से रिलेटेड है बिल्कुल रिलेटेड mm -hmm. है हार्मोन रिलेटेड किससे इरा से ठीक है जी ओके okay? तो अब सही कॉम्बिनेशन ढूंढ लो सी नहीं है और डी नहीं है डी आपको यहां दिख रहा है सी और डी यहां दिख गए तो नॉट है तो ये आंसर आ जाए इज इट क्लियर अमन इज इट क्लियर ठीक है जी विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ थायर हारमोन तो लोग गलत सॉल्व करते हुए इसमें इम्यून सिस्टम को भी रिलेट कर गए थे देख लीजिएगा यूट्यूब पे आपको उदाहरण मिल जाएंगे ऑल द बेस्ट याद रखिएगा वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बनना है सो विच ऑफ द फॉलिंग आर नॉट अंडरॉयड हारमोन आंसर इज टू सेकेंड ऑप्शन द कंट्रोल ऑफ थायरॉयड हार्मोन आगे बढ़े जी यूनिक मेमेलियन करैक्टरिस्टिक्स आर मैमल्स क्लास मेमेलिया यूनिक बताना है इस वर्ड को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यूनिक मैमल्स के शरीर पे बाल होते हैं पिन्ना होता है ये ईयर पिन्ना बिल्कुल होता है मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं बिल्कुल होते हैं लेकिन भाई बाकी बातें भी पढ़ लें हम है ना ओके अगर मैं टिम्पेनिक मैमब्रेन की बात करूं तो tympanic membrane केवल मैमल्स में नहीं है tympanic membrane तो रेप्टाइल्स एम्फीबियंस में में भी होता है राइट right जी मैमल्स स्कल नहीं है स्कल होता है मैमल्स में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं है मैमल्स का कोई लार्वा नहीं होता डायरेक्ट डेवलपमेंट है सो इट विल बी दिस ऑप्शन हेयर पिन्ना एंड मेमरी ग्लैंस मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड राइट ये रहा जी आंसर हाईलाइटेड है नीलांजन अमन साक्षी चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं मैं This question, unfortunately, explained and solved completely wrong by many teachers on YouTube. I don't want to name anyone. aap आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा durbhagya ki की बात रही कि कैसे ise galat गलत सॉल्व कर गए है ना पढ़ लेते ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ लेते जल्दबाजी रहती है कई बार लोगों में सिर्फ वो भाई लाइक हो जाए हमारा सेशन व्यूज ज्यादा आ जाए लेकिन बच्चों का मॉरल कितना डाउन हो जाता है उस चीज से कि जब उन्हें पता चलता है कि आंसर गलत मिल गया है हमें है ना चलो देखते हैं जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग स्केलेटल मसल सही बात का चुनाव करना है पहली बात मसल बंडल्स आर हेल्ड टूगेदर बाय कोलेजनस टिश्यू लेयर इतनी बात सही है कोलेजनस टिश्यू लेयर उनको सराउंड करती है मसल बंडल्स को इज दैट कॉल्ड फेसिकल ल तो नहीं कहते ना एनसीआर पढ़ लो देख लो लिखा है उसमें क्या कहते हैं इसे फेशिया ठीक है जी वॉट इज इट कॉल्ड फेशिया आई रिपीट मसल बंडल्स आर हेल्ड टूगेदर बाय कलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर द लेयर इज कॉल्ड फेशिया राइट अब कई लोग इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि एग्जामिनर है है, है? है? नहीं पूछा, से पढ़ो। ये पूछा है कि उस लेयर को क्या कहते हैं थोड़ी ग्रामर इंग्लिश वैकैबलरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए तब आप उस स्टेटमेंट का मतलब कॉम्प्रीहेंड कर पाएंगे मसल बंडल्स आर हेल्ड टूगेदर बाइ कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लेयर कॉल्ड लेयर का नाम पूछा है अब वो इसे जस्टिफाई ऐसे करेंगे कि हमने तो ऐसे पढ़ लिया मसल्स बंडल हेल्ड टुगेदर बाय कोलेजनस टिश्यू लेयर एंड दोज मसल बंडल्स आर कॉल्ड मसल फाइबर्स होते हैं ना फिर फाइबर का बंडल बनता है मसल बनता है मसल फेसिकुलस मसल बनता है यू आर गेटिंग इट व्हाट जस्टिफिकेशन दो पीपल विल गिव फॉर दिस थिंग दे शुड एडमिट दैट दे हैव सॉल्वड इट रॉन्ग राइट चलिए तो पहली बात तो भैया गलत है हमें बतानी है करेक्ट बात है पहली बात गलत है क्यों गलत है मैंने रीजन दे दिया सेकंड रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर इज स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम बिल्कुल सही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्सीक्वेस्ट्रिन प्रोटीन होता है जो कैल्शियम को होल्ड करके रखता है तो सार्कोप्लाजमिक रेटिकुलम में कैल्शियम स्टोर होते हैं यह बात सही है

ये एम लाइन वाली बात गलत आ गई यहां पे एम लाइन इज कंसिडर्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ नो सार्कोमीर इज द फंक्शनल यूनिट सार्कोमीर के सेंटर में आपको एम लाइन देखने को मिलेगी जिसे हम हैंसन लाइन भी कह देते हैं मिटिल चेनशिबे लाइन भी कह देते हैं और जो जेड लाइन होती that is line. German words है ये right, राइट मेरे बच्चे तो हमें बतानी थी सही बातें तो सही बातें हमें कौन कौन सी मिल गई हैं बी और सी मिल गई हैं और बहुत से लोगों ने इसे ए बी और सी कर दिया राइट right? अब मैं रेफरेंसेस दिखा रहा हूं ईच ऑर्गेनाइज कैलेटल मसल इन आर अप ऑफ नंबर ऑफ मसल बंडल्स और फेसिकल्स हेल्ड टूगेदर बाय कॉमन कैलेजनस टिश्यू लेयर कॉल्ड फेशिया दैट इज कॉल्ड एज फेशिया ओके अब मेरा ये वीडियो देखने के बाद देखना लोगों को बड़ा बुरा लगेगा कि सचिन सर ने हमें टारगेट कर दिया भाई करना भी चाहिए या तो अपनी गलती मान लीजिए कि आपने गलत करा है है ना नहीं मानेंगे तो फिर हम तो आपको मनवा के छोड़ेंगे ओके रेटिकुलम ऑफ द मसल फाइबर इज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस बिल्कुल सही डिटेल स्टडी ऑफ मायोफाइब्रिल हैज दैट अपीयरेंस इज ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन राइट The thick filaments in the a इन द ए बैंड आर called M line. इन so, correct ऑफ दिस बैंड्रेन B इज कॉल्ड C, सो करेक्ट स्टेटमेंट गलत है और डी भी गलत है तो आंसर हो जाएगा one. क्लियर है सबको याद रखिएगा वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बनना है अच्छे गुरु से जिनके पास बेहतरीन डिग्रीज हैं जिनके पास बेहतरीन एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस भी जिनके पास ऑफलाइन कोचिंग इंडस्ट्री में पढ़ाने का सखत एक्सपीरियंस है ना वहां आपको हमेशा एक चीज बेटर देखने को मिलेगी वो अंतर आप खुद ही महसूस कर जाएंगे क्लियर है जी इसी बात पे लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ऑल द बेस्ट फॉर अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्पर्स फ्यूचर गॉड ब्लेस यू ऑल अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं

प्लाज्मा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स जिन्हें ग्रेन्यूलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्सिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स होते हैं न्यूट्रोफिल्स आर स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडीसीज मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस होता है माइक्रोपुलिसमेन ऑफ ब्लड भी कहते हैं न्यूट्रोफिल्स को न्यूट्रोफिल्स को न्यूट्रोफिल क्यों कहते हैं बिकॉज एज वेल एज बेसिक डाइज तो ये देख लीजिए मैंने एनसीआर में से रेफरेंस दिया बेसोफिल बेसोफिल्सिक्रीट हिस्टामिन सीरोनिनपैरिन एंडर इन्वॉल्व इन इन्फर्मेटरी रिएक्शन तो इसमें से हमें करेक्ट बातें बतानी है बी और सी करेक्ट है बी और सी करेक्ट है डी भी गलत है किडनी शेप न्यूक्लियस नहीं है यहाँ पे रफली एस शेप न्यूक्लियस होता है बेसोफिल्स का बेसोफिल्स ए ग्रेन्यूलोसाइड्स नहीं है बेसोफिल्स ग्रेन्यूलोसाइड्स होते हैं और ये मोस्ट अबंडेंट नहीं है तो बी एंड सी आर करेक्ट इज इट क्लियर जी Second option, I am explaining each and every question, giving you references from NCRT also. Which of the following is the sequence on the corresponding coding strand? If the sequence on messenger RNA formed it, formed is as follows. तो अब इस सीक्वेंस को जरा ध्यान से पढ़ना था आपको इसमें हो सकता है कि थोड़ा सा समय लगा हो कुछ बच्चों को सॉल्व करने में आप कोशिश कीजिएगा आप इसे कर पाएंगे आप बनाइएगा एक टेम्पलेट स्ट्रैंड कोडिंग स्ट्रैंड और उसके बाद आप मैसेंजर आर एन ए के ऊपर जो सीक्वेंस है बेसिस का वो बना पाएंगे नीलांजन कह रहे हैं कैमल के मेच्योर आरबीसी आर न्यूक्लिएटेड और नॉन सी कोई भी मैमल ऐसा नहीं होता जिसमें आरबीसीज न्यूक्लिएटेड हो ये कैमल वाली बात जो है बिल्कुल गलत है

ब्रेन का स्ट्रक्चर आपको अच्छे से पता होना चाहिए एनसीईआरटी क्लियरली कहती है अलोंग विद हाइपोथैलेमस लिम्बिक सिस्टम इज इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शनो सो इट विल बी लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस वट इज कॉर्पस कैलोसम बंडल ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन्स विच कनेक्ट दी राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिसफेयर एंड कॉर्पस कैलोसम को हार्ड बॉडी भी कहते हैं इट्स अ टिपिकल फीचर ऑफ मेमिलियन ब्रेन थैलमस एपीथैलमस क्या है डायन का स्ट्रक्चर याद कीजिए

ब्लड किससे कनेक्ट कर दें स्पेशलाइज कनेक्टिव चीजों से करें मास्ट सेल्स मास्ट सेल्स एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इनर सर्फेस ऑफ ब्रॉन्कीस क्या हो जाएगा जी इनर सर्फेस ऑफ ब्रांक्यूल्स सिलियेटेड एपिथीलियम हो जाएगा टिब्यूलर पार्ट्स ऑफ नेफरॉन हो जाएगा जी क्यूबॉर्डल एपिथीलियम. जैसे जो प्रोक्सीमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है सपोजे पी सी टी ऑफ नेफरॉन है नेफरॉन के पीसीटी में क्यूबॉर्डल अपीथीलियल सेल्स है ये सवाल ना पहले भी नीट में आया हुआ है और मैंने एक्सप्लेन भी करा था तब भी एक टीचर ने इसे गलत सॉल्व करा था उन्हें यह पता ही नहीं था कि क्यूबॉर्डल अपीथीलियल सेल्स ब्रश बॉर्डर कहाँ पाया जाता है सो so, दिस

ओके चलिए ए विद टू डी बी विद वन बिल्कुल सही सी विद फोर एकदम सही एंड डी थ्री चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कहा था ना कॉकरोच में से एक और सवाल भी पूछा गया एक्सक्रीशन वाली बात एक बार पहले भी आई थी ग्लैंड इन कॉकरोच पैरिनेट अमेरिकेना एक्सक्रीशन इज ब्रॉट अबाउट बाय फेलिक ग्लैंड और कोलेटेरियल ग्लैंड तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होती है ध्यान रखिएगा कोलेटेरियल ग्लैंड जो है फीमेल कॉकरोच के केस में है ऊथिका बनाती हैं यूरिकोस नेफ्रोसाइट एंड फैट बॉडी बी सी और डी

प्रेजेंस ऑफ अ मिड डॉर्सल सॉलिड एंड डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड नहीं वी हैव सेंट्रल हॉलो डॉर्सल नर्वस सिस्टम हमारे में ये सॉलिड वाली बात नहीं होती तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी

एनसीआरटी का रेफरेंस भी मैंने दिखा दिया है आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा राइट पेयर फेरेंजियल गिल्सलिट्स होते हैं सेंट्रल हॉलो डोर्सल नर्वस सिस्टम होता है पोस्ट एनल टेल इफ प्रेजेंट हार्ट इज वेंट्रल सो हमारे सवाल का जवाब बी एन सी वाला ऑप्शन है फ्रिक्वेंसी अच्छा अब हुआ था कि क्या चीज हुई है कि भैया कुछ क्वेश्चन बॉटनी में वाली बॉटनी वाले सेक्शन में चले गए जो कि जेनेटिक्स के थे मैं आपको ये चीज बता दूं बॉटनी जुआलॉजी हेडिंग जरूर अलग लिखा होता है लेकिन बहुत से टॉपिक्स जो आपने बॉटनी में पढ़े हैं उनके सवाल जोआलॉजी में मिलेंगे बहुत से टॉपिक्स जो आपने जोआलॉजी में पढ़े हैं उनके जवाब बॉटनी में मिलेंगे मैं हमेशा ये कहता आया हूँ कि बायोलॉजी का जो सिलेबस है ना वो थर्टी थ्री परसेंट इज प्योर बॉटनी थर्टी थ्री परसेंट इज प्योर जोअलॉजी एंड थर्टी थ्री परसेंट एरियाज आर ओवरलैपिंग बॉटनी और जोआलॉजी दोनों में इन्वॉल्व है चाहे सेल बायोलॉजी है चाहे जेनेटिक्स है चाहे इकोलॉजी है चाहे बायोटेक्नोलॉजी है चाहे बायोकेमिस्ट्री है, है तो ये दोनों टॉपिक्स में आती है में भी जुअलॉजी में भी समझिया बात तो इस सवाल का जवाब देखते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन ऑन सेम क्रोमोसोम एज मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन्स टू मैप पोजीशन। इट वाज़ फर्स्ट यूज अल्फ्रेड स्टर्टीवेंट, राइट क्लियर है साइंटिस्ट का नाम है साइंटिस्ट के नाम को लेकर के दो तीन सवाल आए हैं तो वो आपकी टिप्स पे होनी चाहिए सेलुलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विद आयोडीन अब देखो बॉटनी में डाला लेकिन क्वेश्चन कहां पे आप पढ़ते हैं यहाँ बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ते हैं सेलुलोज कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट मोस्ट अबंड बायोमोलिक्यूल है सेलुलोज स्टार्च का तो टेस्ट है कि भैया ये ब्लू ब्लैक कलर देता है आयोडीन के साथ सेलुलोज नहीं देता है बिकॉज NCRT says it does not contain complex allysis and hence cannot hold the iodine molecules. Starch gives that blue-black color, but cellulose doesn't give. Here references the references: cellulose polysaccharide. Hai. Cellulose is not a disaccharide. Yeh option: thara? cellulose is a disaccharide. No, cellulose is a. पॉलीसेकेराइड राइट होमोपॉलीसेकेराइड हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स आपने पढ़े सेलुलोज पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज बीटा लिंकेज होने के कारण हमारे एंजाइम्स इसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं इज इट क्लियर जी चलिए तो इसके साथ ही हमने सारे क्वेश्चन जो जूलॉजी में आते हैं वो हमने सॉल्व कर लिए राइट सो आई होप यू एंजॉयड द सेशन मजा आया आपको सही आंसर्स लेकर के ऑथेंटिक आंसर्स लेकर के तो मैं ये चाहूंगा कि एक बार आप लोग जिन्होंने अभी तक लाइक का बटन प्रेस नहीं करा है एक बार लाइक का बटन जो है वो जरूर प्रेस कर दीजिए कमेंट जरूर कीजिएगा इस वीडियो में इसे ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा है ना विद्या बांटने से बढ़ती है सही और सच्चा सुच्चा ज्ञान जो है वो बच्चों तक पहुंचना चाहिए बिकॉज ये आपके फ्यूचर का सवाल है लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा आकाश बाइजूज नीट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स मिलेंगे टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन करने के लिए उन लिंक्स पे जरूर प्रेस कर दीजिएगा और हमारे साथ जुड़ जाइए नमस्कार बाय बाय गॉड ब्लेस यू ऑल स्टे ब्लेस्ड